नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेलिया आप सभी का जीनियस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए रूट वर्ड का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिससे हम जो है वोकैबुलरी को कैसे याद रखें उसको जो है रूट वर्ड से पढ़ेंगे। आज रूट वर्ड से हम आज उसको याद रखना सीखेंगे और आज मैं आपको जो है रूट वर्ड बताऊँगा। और जिसने भी मेरी पिछली अभी जो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके उसको देखें, फिर इस वीडियो को आए और जो है इस वीडियो अंत तक देखें, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रूट वर्ड आज हम पढ़ेंगे आज का हमारा रूट वर्ड है साइड। इसको मतलब क्या होता है इसका मतलब हम सभी जानते हैं, हत्या होगा। साइड का मतलब क्या होगा हमारा, हत्या होगा। अब हम जो है इससे कुछ वर्ड देखेंगे कि कौन से जो है वर्ड होते हैं। आप लोग रूट वर्ड को जानते होंगे जिनसे मिलके कई वर्ड जो है बने होते हैं। और अब हम वर्ड मेरे भाइयों अब हम जो है वर्ड देखते हैं। हमारा पहला वर्ड होगा सुसाइड। आप लोग कुछ वर्ड जो है खुद ढूंढिएगा और उन वर्ड को देखिएगा, इसी तरीके से हमारे सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या करना, स्वयं की हत्या करना। मेरे साथ जो है सभी भाई नोट करते चलेंगे और मैं आपको जो है धीमे धीमे आगे बढ़ा रहा हूँ। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है उपजोरी साइड। क्या हुआ है, उपजोरी साइड। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा भाइयों पत्नी हत्या हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो उसको क्या बोलेंगे, उपजोरी साइड। क्या बोलेंगे, उपजोरी साइड। क्या बोलेंगे, उपजोरी साइड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजी साइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, रेजी साइड। और रेजी साइड आप लोग जानते हैं साइड का मतलब क्या होता है, हमारा हत्या। और रेजी ये आपको रेजिडेंस से आप समझ रहे होंगे, राजा। क्या है, राजा। और ये क्या हो जाएगा इसका मतलब, राजा की हत्या, राजा की हत्या, रेजी साइड। ठीक है ना भाइयों, ये हमारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है साइड। ये रूट वर्ड बहुत ज्यादा बार पेपर में हमारे आया हुआ है मेरे भाइयों। रेजी से हम क्या है, राजा को याद रखेंगे, इसका मतलब हमारा राजा की हत्या हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाइयों मैरिड साइड। क्या है, मैरिड साइड। अब आप कहेंगे सर ये इसको हम सर कैसे याद रखेंगे, आप इसको इस तरीके से देखिए। पुलिस वाले भाई हमारे आए और भाई कह रहे थे क्या तुमने इसको मारी थी, क्या तुमने वह औरत को जो है मारी थी, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्या तुमने उसको जो है मारी थी, एक औरत से कह रहे हैं तुम उसको जो है मारी थी तो किसको, भाई अपने पति को ही मारेगी, तो पति हत्या। मारी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वुमेन है, किसको मारेगी, मैन को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पति हत्या। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। भाइयों साइड का मतलब हमारा हत्या हो जाएगा। होमी का मतलब आप लोग इसको जो है ह्यूमन से ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा इसका मतलब, मानव हत्या। आज के बाद आपको कभी भी मानव हत्या इस तरीके का वर्ड अगर सामने आए तो आप तुरंत ही समझ जाना उसका मतलब क्या होगा, होमिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, होमिसाइड। अब हम बढ़ते हैं भाइयों अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। मेरे भाइयों हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। जीनों से भाइयों हम अपनी जो है जनता को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, जनता को, पीपल को, एक कोई भी कम्युनिटी को। ठीक है ना भाइयों, तो साइड का मतलब हमारा हत्या, तो जीनों से हम इसको याद रखेंगे, जनता को या फिर कम्युनिटी को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जनसंहार।
जलियांवाला बाग आपको याद होगा, तो वहां पर क्या हुआ था, जीनोसाइड, जनसंहार। ठीक है भाइयों, अब हम इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हैट्रिसाइड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हैट्रिसाइड। भाइयों इस वर्ड को, साइड को हम जानते हैं क्या हुआ, और इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ, हमारा हैट्रिसाइड का मतलब होगा भ्रात हत्या, मतलब अपने जो है भाई की। ठीक है भाइयों, अब हम अपने जो है नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोरोली साइड। इन वर्ड को भाइयों बिल्कुल नोट करते जाना बिल्कुल सीक्वेंस में, और बहुत ही बढ़िया ये वर्ड जो है हमारे पेपर में हमेशा आते रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है। और हमारा जो है नेक्स्ट वर्ड था सोरोली साइड, और इसका मतलब हो जाएगा हमारे जो है बहन की हत्या, भगनी हंता। क्या हो जाएगा, भगनी हंता, मतलब बहन की हत्या। इसी तरीके से भाइयों अब हम जो है अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। मेरे भाइयों हमारा जो वर्ड है अब उसका हम देखते हैं, पेट्रिसाइड है हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रिसाइड। और पेट्रिसाइड को हम किस तरीके से जो है भाइयों याद रखेंगे, पेट्री को जो है पिता से याद रखेंगे, और साइड का मतलब हमारा हो जाएगा हत्या, तो इसका मतलब हो जाएगा भाइयों हमारे पिता की हत्या, पिता की हत्या जो करता है क्या कहते हैं, पेट्रिसाइड। तो पिता को पेट्री से याद रखेंगे। और अब हम अपने जो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, भाइयों हमारा नेक्स्ट वर्ड था मैट्रिसाइड। तो अब इसको आपको मैट्री को याद रखना है माता से, किस कैसे याद रखेंगे मैट्री को, माता से, और साइड का मतलब हत्या, तो मैट्रिसाइड का मतलब हो जाएगा हमारे भाइयों माता की हत्या। क्या हो जाएगा, माता की हत्या। भाइयों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिसाइड। अभी हमने देखा था पेट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या, मैट्रिसाइड का मतलब माता की हत्या, और पेरिसाइड का मतलब हो गया पिता और माता दोनों की हत्या, मतलब दोनों का हत्यारा, पिता व मां का हत्यारा। क्या हो जाएगा हमारा, या फिर की हत्या हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइड। अभी पेरिसाइड, तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही याद हंसी का एक जो है वर्ड बताता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऑक्सोरिसाइड, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सोरियस आखिर क्या होता है। ऑक्सोरियस का मतलब मेरे भाइयों जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। ऑक्सोरिसाइड का मतलब था हमारा पत्नी की हत्या, और ऑक्सोरियस का मतलब जोरू का गुलाम। ठीक है भाइयों, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। भाइयों हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब हमारा भाइयों क्या हो जाएगा, जो कीटों की हत्या की जाती है, कीटनाशक। क्या हो जाएगा इसका मतलब, कीटनाशक। भाइयों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाइयों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इस वर्ड का मतलब होता है हमारा भाइयों शिशु की। छोटे बच्चे बिल्कुल शिशु की जो हत्या कर दी जाती है उसे बोलते हैं हम इन्फेंटिसाइड। अब हम जो है भाइयों अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड। मेरे भाइयों हमारा जो है नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्राफ।
मतलब क्या होता है? टू राइट। ग्राफ का मतलब क्या होता है भाइयों? टू राइट। और अभी हम एक और आपको जो है वर्ड बताते हैं, हेड। इसका मतलब होता है हमारा भाइयों लवर। इस वर्ड को तो आप जरूर याद, वो आपको याद तुरंत हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। जी हाँ भाइयों, अब हम पढ़ते हैं जियोग्राफी। ये है हमारा वर्ड। तो इस वर्ड का जो भाइयों मतलब क्या हो जाएगा? जियो का मतलब होता है हमारा अर्थ। ग्राफी आप इसको जो है जानते हैं, राइट जो है ग्राफ इसका मतलब होता है। तो अर्थ का जो है स्टडी हमें करना होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जियोग्राफी। ठीक है ना भाइयों? तो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है ना भाइयों? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेमोग्राफी। डेमो का मतलब आप जो है जानते हैं पीपल, जिसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है ना भाइयों? पीपल, लोग। ग्राफी आप जानते हैं अध्ययन हो जाएगा इसका मतलब। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है ना भाइयों? तो जो पीपल ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारे नेक्स्ट वर्ड था बिब्लियोफाइल। इस वर्ड को मैंने जो है अपनी पुरानी वीडियो में जो है बताया हुआ है, जिसने भी अभी पहले की वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले उसको देख ले। और इस वर्ड को जो है अब हम आज रूट वर्ड से देखते हैं। फाइल का मतलब क्या है हमारा? लबर। बिब्लियो का मतलब होता है भाइयों बुक। तो जो पुस्तक से प्रेम करता है, किताब से प्रेम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाइयों? पुस्तक प्रेमी। हम बढ़ते हैं अब अपने भाइयों नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफ। बी आई बी एल आई ओ जी आर ई पी एच, बिब्लियोग्राफ। भाइयों अब आप सब जानते हैं बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? द रिटन लिस्ट ऑफ अ बुक। बिब्लियोग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा? द रिटन लिस्ट ऑफ। भाइयों बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो भी मुझसे इस वीडियो में जुड़े हैं, और जिन्होंने भी अभी पहले की वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले की वीडियो देखे, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।